नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेलवे नगर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में मौजूद है। और दोस्तों यह रेलवे स्टेशन अपनी सेवाएं लाल कुआं शहर एवं आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया को प्रदान करता है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन एक समय पर मीटर गेज ट्रेनों का एक बहुत ही बड़ा हब जंक्शन भी हुआ करता था। दोस्तों अब यह रेलवे स्टेशन मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के इज्जतनगर डिवीजन का पार्ट है, जो कि मुख्य रूप से बरेली काठगोदाम लाइन पर मौजूद है। और दोस्तों तो एक लाइन यहाँ से काशीपुर रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाती है और दूसरी यहाँ से रामपुर जंक्शन की तरफ भी जाती है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 30 से भी अधिक ट्रेनों को ऑपरेट करता है और यहाँ से प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार यात्री पास होकर गुजरते हैं। दोस्तों वहीं इस स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो यह रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 256.52 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और यहाँ का स्टेशन कोड LKU है। दोस्तों प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है। नंबर ऑफ होल्डिंग ट्रेनों की बात करें पर डे तो उनकी संख्या 30 से अधिक है। और दोस्तों ओरिजिनेटिंग ट्रेनों की बात करें इस स्टेशन से तो उनकी संख्या 7 है। और दोस्तों जो ट्रेनें यहाँ पर टर्मिनेट होती है उनकी संख्या मात्र 8 है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े नगरों एवं देश के कई बड़े राज्यों से सीधा कनेक्टेड है और यहाँ से पास होने वाली मुख्य ट्रेनों में शामिल है रानीखेत एक्सप्रेस, लालकुआ आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, आगरा फोर्ट रामनगर एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस रामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस, बाग एक्सप्रेस, उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस, जम्मू तवी काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस, काठगोदाम कानपुर सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस, MKI एक्सप्रेस, सुपरफास्ट पैसेंजर इत्यादि ट्रेनें भी शामिल है। दोस्तों अब बात करेंगे इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो इस स्टेशन को खुले हुए 100 वर्षों से भी अधिक वर्ष हो गए हैं। पहले यहाँ पर मीटर गेज की ट्रेनें चला करती थी, लेकिन अब इसको पूर्ण रूप से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड भी है, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। और दोस्तों साथ ही साथ स्टेशन पर तमाम वह सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है जो कि एक आम यात्री को अपनी यात्रा के दौरान चाहिए होती है। उनमें शामिल है कंप्यूटराइज रिजर्वेशन काउंटर, वेटिंग रूम, खाने पीने की व्यवस्था, पार्किंग इत्यादि अन्य। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपना जाना लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। अगर आपको मेरी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन सभी को जय हिंद, जय भारत।